नमस्कार, मैं हर्षिता गुप्ता, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। भाजपा के खेडूत विरोधी नीति को लेकर कल रात को कांग्रेस की ओर से जनवेदना आंदोलन के तहत खंडेराव मार्केट में जाहिर सभा आयोजित की गई थी। पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, तब इस विषय को लेकर पूरे गुजरात में भी कांग्रेस की ओर से किसानों की मदद हेतु जनवेदना आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा में भी गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सताव और प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा जाहिर सभा स्थल पहुंचे थे, जहां कांग्रेस प्रभारी राजीव सताव का कहना है कि रोजगार जीडीपी विकास मामले में केंद्र सरकार निष्फल हो रही है। तब राजीव सताव ने निवेदन किया था कि सरकार द्वारा किसानों की परिस्थिति को समझकर उनकी पूर्ण रूप से मदद की जाए और किसानों के लिए सरकार से 700 करोड़ रुपए की सहायता करने की बात रखी गई थी व सरकार द्वारा 100% नुकसान की भरपाई की जाए, ऐसी भी मांग की गई है। और अगर इस मामले पर सरकार ने जल्द से जल्द सुनवाई नहीं की तो कांग्रेस की ओर से और ज्यादा उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही थी। आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि आपकी बार 220 पार, गुजरात में कहा था आपकी बार 150 पार, हरियाणा में कहा था आपकी बार 75 पार, लेकिन ना गुजरात में वो 100 सीटों तक पहुंच पाए, ना महाराष्ट्र में 105 तक अटकते रहे। और सबसे बड़ा जो इनका गठबंधन रहा, जो अलाई रहा, शिवसेना जो सबसे पुराना साथी रहा, वो पुराना साथी भी उनको छोड़ के गया है, क्योंकि वादा कहीं ना कहीं जो वादा उन्होंने किया था वो वादों के खिलाफ काम रहा है। और मुझे लगता है कि हम नॉन बीजेपी सरकार देने के दिशा में महाराष्ट्र में जाएंगे। एनी असहाय खेडूतोनी मश्करी समान छे अने साथे साथ तमे जे केवा मांगो छो एमा हूँ महत्वनी बात ये कहूँ छू के आजनी जे परिस्थिति छे एने भारतीय जनता पार्टी नी सरकार धाक धमकी दबाण पोलिस सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जीएसटी ए द्वारा जे कोई पण एनी सामे आवाज उठावा मांगे अने साची हकीकत बहार लावा मांगे एने कचड़ी नाखी दबावी नाखवानो प्रयत्न करे छे। खेडूत जो आंदोलन करे, रजूआत करे, तो एना पर लाठी चार्ज करवामां आवे, वीजळी मांगे, पाणी मांगे, तो एना पर पण लाठी चार्ज अने एना पर जुलम बतावामां आवे, एना पर जात जातना खोटा केसीस करवामां आवे, त्यारे आवी सरकार सामे कांग्रेसनी नैतिक फरज छे, प्रजानी साथे रहेवानी जवाबदारी छे, एना भागरूप समग्र गुजरातमां अने देशमां ऑल इंडिया कांग्रेसना अध्यक्षा आदरणीय सोनियाजीए आंदोलन रेलीओ धरनाओ एना कार्यक्रम द्वारा देशनी गुजरातनी आने वडोदरानी प्रजाने जागृत करवानो कार्यक्रम अमे नक्की कर्यो छे। गुजरातनो खेडूत तमाम रीते दुखी छे, आर्थिक रीते पायमाल थयो छे, गत वर्षे ओछो वरसाद थवाने कारणे आर्थिक रीते पायमाल बन्यो, चालू वर्षे अतिवृष्टि अने कमोसमी वरसादने कारणे खेडूतोनो पाक सदंतर रीते निष्फळ रह्यो छे। एवा संजोगोमां खेडूतोनी स्पष्ट मागणी हती कि अमे जे प्रीमियम भरे छे, सरकार जे प्रीमियम भरे छे, ए खानगी वीमा कंपनीओ एना प्रमाणमां पूरतो वीमो चूकवती नथी। त्यारे आवा संजोगोमां तात्कालिक 100% वीमो चूकवामां आवे अने साथे साथे सरकार तात्कालिक सर्वे करीने जे पण नुकसानी थई छे એનું તાત્કાલિક રાહત પેકેજ જાહેર કરે। સરકાર પાસે ખેડૂતોને અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે કે 100% પાક વીમો ચૂકવવામાં આવે। આ જે રકમ જાહેરાત કરવામાં આવી છે એનાથી બિલકુલ નુકસાનીના પ્રમાણમાં વળતર નહીં બને, એટલે 100% પાક વીમાની જાહેરાત થાય અને જે ખેડૂતોને નુકસાની થઈ છે એમનું દેવું સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવે, એવી સ્પષ્ટ કોંગ્રેસ પક્ષને ખેડૂતોની માગણી છે। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।